मेरे बाप ने मुझे किसी से चलना नहीं, खुद के दम पर चलना सिखाया है। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास? पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ गवाह गांधी जी का नहीं, हमारा बंदर है। जल्दी से मौज ऐप डाउनलोड कीजिए और #IndiasGotTalent पे अपना टैलेंट दिखाते हुए शॉर्ट वीडियोस अपलोड कीजिए और जल्दी से अपनी एंट्रीज भेजिए। और हाँ, इस शो से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए IndiasGotTalent का प्रोफाइल ओनली ऑन मौज ऐप। मौज बना, हिट हो जा। ए मधुसूदन पाटील, आम्ही आता है गाव सोडणार नाही। चरबी वाढली आहे का तुमची? विसरला काय माझी ताकद? ए मी एक बोलू काय, तुम्ही काय बोलता आपल्याला काय कळत? पण एक सांगतो, ये फाडखाव, तुला आणि तुझ्या या दोन छक्क्यांना आपण कुत्र्यासारखं मारणार। आधी जिंदगी काट ली, आधी जेल में कटेगी, गोली जब तक मारूंगा जब तक नाल ना फटेगी। हम अपने अंदाज में मस्त हैं, अब जरूरी तो नहीं कि सबको पसंद आ जाएं। हम अपने अंदाज में मस्त हैं, जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया? तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन हम पूरा करने का दम रखते हैं। क्या बोलता है? गवाह चाहिए ना तुझे? गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास, माफ कर सो। हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो। हेलो, बहुत नाम कमा लिए तुम, हमारा स्टोरी पटना तक पहुंच गया है। आपको हमसे का काम है? तेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। बहुत नजदीक से देखा है इस दुनिया को, बहुत ही मादर छोद लोग भरे पड़े। सुना है तेरे चाहने वाले बहुत हैं, तो सुन पगली, हम पे भी मरने वालों की कमी नहीं है। अबे बेटा, औकात की बात हमसे मत करना, क्योंकि जिससे तू मिलने के लिए तरसता है वो हमें देखने के लिए तरसते हैं। नफरत करते हो हमसे तो करते रहो, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा। क्या बोला था बे? नहीं कर पाएगा ये वो, टाइम बुरा था मेरे भाई, पर अब बुरे नहीं है दिन। और तू रोज प्रोफाइल तो ओपन करता ही है, साथ में ये भी गिन, 1 2 3 डन 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 डन, बजा दे। देखिए धर्राटे काट रही है ओम फो, देखिए धर्राटे काट रही है ओम फो, ले भैया ओम फो, ले भैया ओम।
क्या बोलते उसको? सफेद कॉलर। अबे सफेद नहीं रे, व्हाइट कॉलर। व्हाइट, हाँ व्हाइट कॉलर। ये व्हाइट कॉलर लोगों की बचपन सुनेगा ना तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे साला। मार्केट में जो बच्चे लोरी गा रहे हैं उनको बता दो कि पापा वापस आ रहे हैं। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी है? यार इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन हो रहे हैं, वो भी मौज पे। अच्छा इसलिए उदास है? नहीं यार, पर मुझ में तो कोई ऐसा टैलेंट ही नहीं है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्यों, तुझे एक्टिंग करना नहीं आती? आती है। तुझे डांस करना नहीं आता? आता है। अबे तो पागल, यही तो टैलेंट है। अबे मुझे देख, मैंने तो मेरे 10-15 कॉमेडी वीडियो बना के कब से डाल दिए। अच्छा, पर ये सब थोड़ी ना सिलेक्ट होगा, वहाँ तो स्टेज पे तलवार खानी पड़ती है। ये सब क्या तुझे शिल्पा शेट्टी ने सपने में आके बताया? ओ अच्छा, मतलब रस्सी पे उछलने वाले और तलवार खाने वाले ही इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं जाते, मतलब मैं भी जा सकती हूँ? अबे और क्या, खेपड़ी जाके वीडियो डालना शुरू कर। अब तो पक्का है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरा क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे से ज्यादा टैलेंटेड हूँ ना। #IndiasGotTalent में अपना टैलेंट दिखाइए।